हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो काम को बीच में ही छोड़ देते हैं? क्या आप अपने अल्टीमेट गोल से भटकते रहते हैं? क्या आपका मोटिवेशन लेवल बार बार बदलता है और इसलिए आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग और मोटिवेटिंग बुक के बारे में, जिसका नाम है ग्रिट, जिसे एंजेला डकवर्थ ने लिखा है। ग्रिट का मतलब है लगातार किसी काम को करते रहने की हिम्मत। जितने भी अचीवर्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ग्रिट होती है। वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, वो लगातार अपने काम को परफेक्ट करते रहते हैं। वो जिंदगी में हर हाल में अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं और इसके लिए उनमें पेन, सफरिंग, फेलियर और फ्रस्ट्रेशन को झेलने की अनबिलीवेबल ताकत और हिम्मत होती है। ये पैशन और डटे रहने का एक कॉम्बिनेशन है। ऑथर इस बात पर डिस्कस करती हैं कि कैसे कोशिश को अक्सर इग्नोर किया जाता है और टैलेंट की तुलना में कम आंका जाता है, जबकि असल में लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है वो है कोशिश करना। एंजेला डकवर्थ ने अपना करियर एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट से शुरू किया, लेकिन कुछ सालों के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में मैथ टीचर बनने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। यंग स्टूडेंट्स को कई सालों तक पढ़ाने के बाद उनका इस चीज में इंटरेस्ट बढ़ता गया कि किस तरह एफर्ट्स का सक्सेस की राह में एक अहम रोल होता है। अपनी इस खोज को फॉलो करते हुए उन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी की पढ़ाई की। डकवर्थ फिलहाल एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, एक टेडेक्स स्पीकर हैं और कैरेक्टर लैब की फाउंडर और सीईओ भी हैं, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कैरेक्टर डेवलपमेंट की साइंस को लेकर कमिटेड है। अब टाइम है इस बुक के साथ सबसे इम्पोर्टेंट लेसन को डिटेल में समझने का, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ग्रिट क्या है? ऑथर ग्रिट के कॉन्सेप्ट को डटे रहने के टर्म्स में एक्सप्लेन करती हैं। वो मानती हैं कि सिर्फ आपका डटे रहना ही आपको बड़ी अचीवमेंट की ओर ले जाएगा। कोई इंसान जो हायर अचीवर है वो नहीं जानते कि वो अपने गोल तक पहुंचेंगे या नहीं, वो बस ज्यादा कोशिश करते रहते हैं। वो लोग आत्मसंतुष्टि के अपोजिट होते हैं, हमेशा अनसेटिस्फाइड। लेकिन एक अजीब तरह से ये अनसेटिस्फाइड होना और लगातार ज्यादा को चेज करना ही उनके लिए सेटिस्फाइंग भी होता है। कोई जिसके पास सच्ची ग्रिट है वो पेन और फ्रस्ट्रेशन से भी आगे बढ़ जाते हैं। उनके लिए हार मान लेना कोई ऑप्शन नहीं होता। पैशन और प्रिजर्वेंस का एक कॉम्बिनेशन हाई अचीवर्स को स्पेशल बनाता है। हाई अचीवर्स में ग्रिट होती है। सोसाइटी टैलेंट पर बहुत जोर देती है, जो कि एक नेचुरल एबिलिटी है। टैलेंट को हमेशा एक हीरो की तरह देखा जाता है और ये कि टैलेंट से ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। एफर्ट्स का क्या फिर? जब बात रिजल्ट की आती है, क्या एफर्ट भी उतने ही इम्पोर्टेंट नहीं है? अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है जब कोई भी कुछ ऐसा हासिल कर लेता है जिसके बारे में लिखा जा सके, हम इस कंक्लूजन पर पहुंचने की जल्दी करते हैं कि वो इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंटेड है। अगर हम टैलेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, हम बाकी सब चीजों को कम करके आंकते हैं। हम टैलेंट पर जोर देते हैं। उनके कई कारणों में से एक ये है कि हम ये मानना चाहते हैं कि हाई अचीवर्स फिजिकली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते। जैसे कि एक ओलंपिक स्विमर एक नेचुरल टैलेंट के साथ पैदा होता है जिसको कोई भी मैच ही नहीं कर सकता। ये साफ तौर पर उन अनगिनत ट्रेनिंग सेशंस को इग्नोर कर देना है जो एक ओलंपिक स्विमर ने कई सालों तक हर रोज पूल में की है। हम प्रेफर करते हैं कि हम खुद मामूली महसूस ना करें और हाई अचीवर्स को एक मिस्ट्री के साथ जोड़ देते हैं। ये आइडिया कि उन लोगों के पास कुछ मैजिकल स्किल है, ये इस थॉट से ज्यादा अपीलिंग लगता है कि हम खुद एवरेज हैं और एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। इस मैजिकल स्किल के होने का मतलब ये समझ लिया जाता है कि हम उनकी लीग में नहीं खेल सकते, इसलिए उनसे कंपैरिजन का कोई कारण नहीं बनता। ऑथर टैलेंट का फॉर्मूला एक्सप्लेन करती है। टैलेंट वो है कि कितना जल्दी आपकी स्किल डेवलप होती है जब आप अपना टाइम और एफर्ट लगाते हैं, और अचीवमेंट आपके उन डेवलप किए गए स्किल का नतीजा है जिन्हें आपने सही काम के लिए यूज में लिया है। हमें अपॉर्चुनिटीज को भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर के रूप में इग्नोर नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक डेडिकेटेड कोच या टीचर होना और प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी मिलना भी आपके लिए फायदेमंद ही होगा, और कुछ केसेस में ये अपॉर्चुनिटी किसी भी चीज से ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है। ऑथर एक्सप्लेन करती है कि उनके फॉर्मूलाज और थ्योरीज में आउटसाइड फैक्टर शामिल नहीं है जैसे कि लक। वो सिर्फ अचीवमेंट की साइकोलॉजी पर फोकस कर रही है, और चाहे ये आपको पूरी पिक्चर ना दे पाए, ये जरूरी है कि इस पर ध्यान दिया जाए। टैलेंट, कितना जल्दी हम स्किल को इम्प्रूव करते हैं, ये बिल्कुल मैटर करता है, लेकिन एफर्ट का फैक्टर इस कैलकुलेशन में दो बार काउंट होता है, ना कि एक बार। एफर्ट से स्किल बिल्ड होती है, उसी वक्त एफर्ट स्किल्स को प्रोडक्टिव भी बनाता है। टैलेंट या एफर्ट की थ्योरीज को समझने के लिए एक्सरसाइज और फिटनेस एक यूजफुल एग्जाम्पल है। लोग एक्सरसाइज के इक्विपमेंट खरीद लेते हैं जैसे ट्रेडमिल, वेट्स या नए रनिंग शूज। ये खरीद बहुत अच्छे इरादे से की गई होती है, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि 40% लोग जितना उन्होंने पहले सोचा था उससे अपनी खरीद का बहुत कम यूज कर पाते हैं। फिटनेस डिपेंड करती है कि हम कितना ज्यादा वर्कआउट करते हैं, लेकिन कई बार ये एक इशू नहीं रहता है। दिक्कत ये है कि हम वर्कआउट करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। जैसे कि कोई भी कोच या एथलीट आपको बताएगा, लंबे टाइम तक किए गए कंसिस्टेंट एफर्ट सब कुछ हैं।
कितनी बार लोग शुरू करते हैं और वो पूरी तरह से गिव अप कर देते हैं। कितनी ही ट्रेडमिल बेसमेंट में पड़ी धूल खा रही है। छोड़ना आसान है और ज्यादातर लोग प्रोसेस की शुरुआत में ही क्विट कर देते हैं। एक इंसान जो सच में ग्रिटी है वो एक दिन में अपना सारा एफर्ट लगा देगा, लेकिन ये पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्रिटी होने में क्रिटिकल कॉम्पोनेंट ये है कि हर रोज सुबह उठना और लगातार अपना मैक्सिमम एफर्ट देते रहना बिना किसी एक्सक्यूज के। एक इंसान जो दुगना टैलेंटेड है लेकिन हार्डवर्क आधा ही करता है, वो दूसरे इंसान के कंपैरिजन में वो सेम स्किल के लेवल पर पहुंच सकता है, लेकिन टाइम के साथ वो बहुत कम प्रोडक्टिव हो जाएगा। जो कोई मेहनत करता है वो लगातार स्किल इम्प्रूव करता रहेगा और इसके साथ ही अपने स्किल का यूज भी करेगा, इसे रोज प्रैक्टिस करेगा। अगर एक मेहनत करने वाला एक नेचुरल स्किल वाले से ज्यादा मेहनत करता है, वो आखिरकार अपने क्षेत्र में ऊंचे स्टैंडर्ड पर पहुंच जाएगा, और ऐसा उनके एफर्ट्स के कारण है, वो कभी नहीं रुकते। टैलेंट वर्सेस स्किल। टैलेंट का मतलब स्किल नहीं है, हालांकि कई लोग मानते हैं कि ये दोनों सेम है। टैलेंट एक नेचुरल एबिलिटी है, जबकि स्किल्स आती हैं कई घंटे की प्रैक्टिस करने और किसी स्किल को डेवलप करने से। स्किल पर लगाया गया टाइम टैलेंट पर लगाए गए टाइम से बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। हालांकि यह एहसास होना जरूरी है, स्किल का मतलब अचीवमेंट नहीं है। बिना एफर्ट के स्किल का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये कुछ ऐसा हो जाता है जिसे आप करते ही नहीं है, चाहे आप में पोटेंशियल हो। एफर्ट के साथ टैलेंट स्किल बन जाता है, और इसी के साथ एफर्ट स्किल को प्रोडक्टिव बना देते हैं। गोल्स। गोल्स के अंदर एक हायरार्की है। अगर आप अपने गोल हायरार्की के बिल्कुल निचले लेवल पर देखते हैं, आप देखेंगे अपनी टू डू लिस्ट की शॉर्ट टर्म लिस्ट, चीजें जो आप एक दिन में करना चाहते हैं। अक्सर छोटे टास्क आपके गोल हायरार्की का बॉटम लेवल आपके बड़े गोल की तरफ ले जाने का काम करता है। जितना आप अपने गोल हायरार्की में ऊपर जाते हैं, उतने ही गोल अपने आप पूरे होते जाते हैं। जब भी आप अपनी हायरार्की को विजुलाइज कर रहे हो, तो अपने हाई एंड गोल्स को एक कंपास की तरह यूज करें, या आपके लोअर गोल्स को अपने डेस्टिनेशन पर ले जाने में मदद करेगा। ग्रिट का एक कॉम्पोनेंट ये है कि लंबे टाइम के लिए एक टॉप लेवल गोल होना। ये गोल आपकी लाइफ के लिए इतना क्रिटिकल हो जाता है कि ये वो सभी चीजें कंट्रोल करता है जो आप अपनी लाइफ में करते हैं। एक ग्रिटी इंसान वो है जिसका एक टॉप लेवल गोल हो और उसके नीचे के सभी गोल्स उस बड़े गोल से जुड़े हों, वो सभी इस तरह से डिजाइंड हो कि आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। बिना ग्रिट वाले इंसान के पास बहुत से गोल्स होते हैं जिनका आपस में कोई क्लियर कनेक्शन भी नहीं होता। इसलिए अपने टॉप लेवल गोल डिसाइड करें और उन्हें बहुत से छोटे लेवल्स के गोल्स में बांट लें। जैसे जैसे आप छोटे लेवल के गोल को अचीव करेंगे, आप टॉप लेवल गोल्स के पास पहुंचते जाएंगे। गोल्स के बारे में और डिटेल में समझने के लिए आप गोल्स बुक की समरी को कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके बहुत से कोर्सेज को और साथ साथ हजारों ऑडियो बुक्स को भी सुन सकते हैं। इसे सुनने के लिए आपको अलग से वक्त निकालने की जरूरत भी नहीं है। ट्रैवल करते हुए, रिलैक्स करते वक्त, वॉक करते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं। आप सबको पता ही है कि अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब 399 रुपए की जगह सिर्फ 199 रुपए। इसके लिए जल्दी से RBC50 कूपन कोड यूज करें, क्योंकि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। क्या आप ग्रिट के साथ पैदा हुए हैं? एक सवाल जिस पर आप सभी को शायद हैरानी होती होगी कि क्या हम सभी ग्रिट के साथ पैदा होते हैं? क्या ये हमारा हिस्सा होता है या कुछ ऐसा जिसे हम सीख सकते हैं? इसका कोई क्लियर जवाब नहीं है, और अगर आपको एक क्विक जवाब देना है तो आप कह सकते हैं कि आप कुछ हद तक इसके साथ पैदा होते हैं। अगर थोड़ी गहराई में जाएं, तो कुछ ग्रिट जेनेटिक्स से रिलेटेड होती हैं और बाकी एक्सपीरियंस का रिजल्ट होती हैं। एक ग्रिटी इंसान के 4 की करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक ग्रिटी इंसान का एक इंटरेस्ट और पैशन होना चाहिए। वो उसे एंजॉय करना चाहिए जो वो करते हैं, और वो हर रोज अपना टाइम अपने इंटरेस्ट को डेडिकेट करने के लिए अपने पैशन से कमिटेड होने चाहिए। एक ग्रिटी इंसान ये भी समझेगा कि इंटरेस्ट ओवरनाइट नहीं बन जाते, कभी कभी आपको सब रखना होता है और अपने इंटरेस्ट के डेवलप और मैच्योर हो जाने तक वेट करना होता है। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स है प्रैक्टिस करने की क्षमता। जिसमें ग्रिट है वो खुद को रोज प्रैक्टिस करने के लिए डेडिकेट करेगा और हमेशा पहले से बेहतर होने की कोशिश करेगा। एक पर्पस का होना पैशन के पीछे ड्राइवर का काम करता है। एक ग्रिट वाला इंसान अपने पर्पस को समझता है, और ये कि वो जो कुछ भी करते हैं वो क्यों करते हैं। आखिर में उम्मीद। एक ग्रिटी इंसान के पास उम्मीद होनी चाहिए। ये प्रेजरेंस का एक क्रिटिकल एलिमेंट है। प्रेजरेंस का एक फॉर्म ये है कि कल से बेहतर आज करने का डेली डिसिप्लिन बनाए रखना। ग्रिट को कैसे बढ़ाएं? लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए एक बच्चे को प्यार, लिमिट्स और लैटिट्यूड की जरूरत होती है। एक बच्चा जिसको लगातार सपोर्ट मिलता है, उसकी सभी रिस्पेक्ट करते हैं और उसे हाई स्टैंडर्ड पर रखा जाता है, उसे अपने पोटेंशियल पर पहुंचने की एबिलिटी दी जाती है। और जो भी पेरेंट्स ये जानते हैं वो ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग या वाइस पेरेंटिंग को कर रहे हैं, बजाय पेरेंट्स होने की पावर पर भरोसा करने के। जब बात पेरेंटिंग की आती है तो वो खुद की नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनका बच्चा उनका अनुकरण करेगा और सफल होता जाएगा। बच्चे
खासकर छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को ऑलमोस्ट ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। हम एक छोटी सी उम्र से सीख जाते हैं जो हमारे पेरेंट्स करते हैं, किस तरह वो बात करते हैं और एक्ट करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं होता जिसकी तरफ हम देख सके तो हम उन्हें ही कॉपी करने लग जाते हैं। कॉपी करना या अनुकरण करने में बहुत ज्यादा फर्क है। जितना हम बड़े होते जाते हैं उतना हम अपने पेरेंट्स के और दूसरे लोगों के एक्शन और बिहेवियर को जज करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए अगर हम एक्शन लेना तय करते हैं और एक निश्चित बिहेवियर या एक्शन को कॉपी करते हैं तो ये एक बेहतर समझ के साथ होता है बजाय ब्लाइंडली फॉलो करने के। ग्रिट को स्टडी करते वक्त ऑथर बहुत सारे ग्रिटी लोगों से मिली जो अपनी सक्सेस को अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करते हैं। वो उन्हें एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं और उन्हें डीपली एडमायर करते हैं, और ज्यादातर केस में उनके पैशन और इंटरेस्ट उनके पेरेंट्स के साथ अलाइन होते हैं। ग्रिटी लोग सीधा सीधा अपने पेरेंट्स को कॉपी नहीं करने लग जाते, बजाय वो उनके काम का और उनका अनुकरण करते हैं। चाहे आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हो सकते हैं, ऑथोरिटेटिव और बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन वो खुद भी हो सकता है कि वो ग्रिटी ना हो। बिना लॉन्ग टर्म गोल, पैशन और मजबूत प्रेजरेंस को एक्सप्रेस और एनफोर्स करे पेरेंट्स बच्चों में ग्रिट नहीं भर रहे हैं। एज अ पेरेंट, अगर आप बच्चों को ग्रिटी बनाना चाहते हैं तो पहले आपको अपना पैशन, गोल और डटे रहने की क्षमता को पहचानना होगा। क्या आप अपने गोल से चिपके रहते हैं और चाहे जो हो उनमें लगे रहते हैं? क्या ये स्टैंडर्ड आप अपने बच्चों के लिए सेट कर रहे हैं, या आपके पास लूज गोल भरे पड़े हैं जिसे आप अक्सर पूरी तरह से परसू करना छोड़ देते हैं? एक ग्रिटी बच्चे को बड़ा करते वक्त आपको खुद तो ग्रिटी होना पड़ेगा। आप किसी को वो नहीं सिखा सकते जो आप खुद नहीं करते हैं। ग्रिट एंड स्कूल। कुछ बच्चों के लिए स्कूल मुश्किल और अनइंटरेस्टिंग भी हो सकता है। बच्चों को अपने फ्रेंड्स के साथ लंच टाइम में खेलना इंटरेस्टिंग लग सकता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं होता है। रिसर्च साफ तौर पर उन बच्चों की पहचान कर लेती है जो अपनी रेगुलर स्कूल एक्टिविटीज के अलावा दूसरी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं और ओवरऑल बेटर करते हैं। ये उनके स्कूल के मार्क्स, उनके कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट और उनकी एबिलिटीज को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। बच्चे अपने स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज के बीच अदल बदल कर सकते हैं, लेकिन एक आर्ट को मास्टर करने के लिए उस आर्ट के लिए कई सालों तक डेडिकेशन लगती है, कई घंटों की प्रैक्टिस लगती है, और यहीं पर रिजल्ट बेनिफिशियल होते हैं। अगर आप ऐसे पेरेंट हैं जो बच्चों को ग्रिटी बनाना चाहते हैं तो ऑथर हार्ड थिंग्स रूल को इम्प्लीमेंट करना रिकमेंड करती है। ये किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए अपना 100% कमिटमेंट देने और अपना सब कुछ देने के बारे में है। फैमिली का हर मेंबर, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, हर एक के पास करने के लिए एक मुश्किल चीज होनी चाहिए। हार मान लेना एक ऑप्शन होता है। जब बात मुश्किल चीज को सिलेक्ट करने की आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा अपनी ये चीज खुद सेलेक्ट करे। छोटे बच्चों के लिए एक सीजन या एक साल एक रिक्वायर्ड कमिटमेंट लेंथ हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा हाई स्कूल में पहुंचता है तो ये कम से कम 2 ईयर रूल होना चाहिए। खुद ही से आप अंदर से अपने ग्रिट को कल्टीवेट कर सकते हैं। आप इंटरेस्ट कल्टीवेट कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस की हैबिट को डेवलप कर सकते हैं और एक पर्पस पे काम कर सकते हैं। ग्रिट और कल्चर। जिस कल्चर में हम रहते हैं और जिसके साथ हम खुद को जोड़ते हैं वो हमारे होने के सभी एस्पेक्ट्स को पावरफुली शेप देता है। कल्चर को ऐसे लोगों के ग्रुप से डिफाइन किया जाता है जो सेम वैल्यूज और नॉर्म्स को शेयर करते हैं, और बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन ये साफ हो जाता है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा ग्रिटी होना चाहते हैं तो आपको एक ग्रिटी कल्चर तलाशने की जरूरत है। खुद को ऐसे लोगों से घेरे रखना जो खुद ग्रिटी हैं आपको लॉन्ग टर्म में फायदा ही देगा। एक सही कल्चर या ग्रुप का हिस्सा होना आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग जो आपके आसपास होते हैं उनका आपके एज अ पर्सन होने पे, आपकी आइडेंटिटी बनाने पर बड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है। ग्रुप का कल्चर आपका खुद का कल्चर हो जाता है और आप उसके एक अभिन्न अंग हो जाते हैं। ग्रिटी होने का मतलब 7 बार गिरना है और 8वीं बार फिर से उठ खड़े होना है। तो दोस्तों, ग्रिट एक कॉम्बिनेशन है पैशन और प्रेजरेंस का। टैलेंट पर कई बार बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन अगर ज्यादा नहीं भी है तो एफर्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट तो है ही। टैलेंट का मतलब है कि कितनी जल्दी आपकी स्किल डेवलप होती है जब आप टाइम और एफर्ट डालते हैं। जब आप अपनी डेवलप की गई स्किल्स को अच्छे से यूज मिलाते हैं तब अचीवमेंट उसी का रिजल्ट होती है। हार मान लेना आसान है। एक इंसान जो सच में ग्रिटी है वो एक दिन में अपना पूरा एफर्ट डाल देगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। ग्रिटी होने में क्रिटिकल कॉम्पोनेंट है हर रोज उठकर बिना किसी बहाने के अपना मैक्सिमम एफर्ट देना। एक मेहनत करने वाला लगातार अपनी स्किल को इम्प्रूव करेगा और एक के बाद एक उन स्किल्स का यूज करेगा और इसे रोज प्रैक्टिस करेगा। टैलेंट और स्किल बराबर नहीं होते। टैलेंट एक नेचुरल एबिलिटी होती है, जबकि स्किल्स किसी चीज पर घंटों की प्रैक्टिस और स्किल को डेवलप करने से आती है। स्किल पर लगाया हुआ टाइम टैलेंट पर लगाए हुए टाइम की तुलना में बहुत भारी होता है। एक ग्रिटी इंसान के 4 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पैशन, प्रैक्टिस करने की क्षमता, पर्पस और होप। ग्रिट होने का एक कॉम्पोनेंट है बहुत लंबे समय तक एक टॉप लेवल का गोल होना। ये गोल आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये लाइफ की दूसरी चीजें भी कंट्रोल करने लग जाता है। ग्रिटी पेरेंट्स ग्रिटी बच्चों को रेस करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर
आप अपनी लाइफ को अभी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। इसके साथ साथ आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।